वेलकम साकिब अगेन। आज का टूर है हम लोगों का जबरी की साइड पर, और आज कोई रास्ते की वीडियो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट सिर्फ और सिर्फ आज होगी कुकिंग की वीडियो। आज हम यहाँ के जबरी की साइड पर आए हैं, पहाड़ों की साइड पर आए, जो बेसिकली हमारा एक होता है कि हम आते हैं और यहाँ पर कुकिंग वगैरह करते हैं। पिछली दफ़ा भी जिस तरह आपने कुक किया, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। तो आज क्या बना रहे हैं? आइए दोस्तों की भरपूर फरमाइश पर चावल बना रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त चावल बन रहे हैं, बस कुछ ही देर में चावल तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, देर है तो फिर इंशाल्लाह दोस्तों को बुलाएंगे और उनको चावल खिलाएंगे। अच्छा, अभी क्या क्या इसमें डाला है आपने, क्या कुछ बता सकते हैं आप? चावल है, उसके बाद अचार है, और ये ये वैसे पकाते अच्छा है पूरा। पिछली दफ़ा तो इसने अच्छे पकाए थे, पर इस दफ़ा पता नहीं क्या करता है। इस मरतबा भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे, आपको पसंद आएंगे। चलें, अल्लाह करें हम पसंद आए, अच्छे लगे। दोस्तों की भरपूर फरमाइश है, क्या खाते तो करना पड़ता है। आए हम टूर पे, बाकी सब दोस्त इंजॉयमेंट कर रहे हैं और मुझे कुकिंग पे पसंद है। कुकिंग तो मैं जी करते ना फॉरम, इसलिए तो मैं इसलिए लगाया है ना। सब दोस्तों ने बोला है तो फिर दोस्तों के आगे इनकार तो नहीं करते। अभी ये फॉरम इसमें अच्छा अचार डालने लगा है। ये बेसिकली अचारी चावल बन रहे हैं ना फॉरम। ये अभी हंसते जायका नमक डाल दी है, और अभी और इसमें क्या डालना है? बस ये थोड़ी देर में वाला इसको आएगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको दम पे लगा देंगे। अभी बस ये दम 15 मिनट लगेंगे, चावल तैयार हो जाएंगे। बस ये अभी बॉयल हो रहे हैं, और अभी इसके बाद यहाँ पर अभी इसको दम पे लगा देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। और हम बता रहे कि बस उसके बाद चावल तैयार लगी हुई है। भूख तो बहुत सख्त लगी हुई। अच्छा, बहुत खुरम, जिस तरह पिछली दफ़ा हम लोगों ने बनाया था, लकड़ी पे सारा कुछ बनाया था, तो और उसमें फिक्के जो हैं वो आपने बनाए थे, दैट खुरम, और जिस खुरम दैट खुरम जिस खुरम तो बनाए थे, लकड़ियों पे बनाया था सारा कुछ। उसमें और आज के जायके में क्या फ़र्क होगा? फर्क इतना नहीं होगा यार, खाने में आपको क्या है, तो टेस्ट बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ कुछ भी मिले खा जाओ, पानी नहीं। बात ये अभी गैस पे तैयार हुए हैं, इनका टेस्ट थोड़ा सा अलग होगा। जो लकड़ पे बने वो तो देसी मॉल होता है, उसका टेस्ट होता है वो ओरिजिनल टेस्ट होता है, मजा उसमें जो भी चीज पकी हो उसका अपना ही टेस्ट होता है, खाने में भी मजा। नेचुरल चीज जो होती है ना उसका अपना ही है, उसका अलग ही स्वैग होता है। फॉरम अभी दूसरी डिश हमारे पास क्या तैयार हो रही है? ये अभी जो तैयार हो रहा है ये मुर्गी फ्राई हो रही है। अच्छा, मुर्गी फ्राई कर रहे हैं जी। ये नहीं, रोस्ट हो रही है। रोस्ट, अच्छा रोस्ट कर रहे हैं। दोस्तों ने बोला है पकानी नहीं है इसको, सिर्फ ये रोस्ट करो क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी इस टाइम पे 6:45 हो गए और अभी तक हमने दोपहर का खाना नहीं खाया है। ये बस थोड़ा सा ड्राइव भी इतनी लंबी हो गई, निकले भी लेट थे, इस वजह से कर गए। तो अभी ये दूसरी डिश जो है वो फरमाइश चाचू ये फ्राई हो रही है। खाना शाना खा लिया, जो पक रहे थे चावल, और कढ़ाई बन गई बाद में, टिक्के से कढ़ाई अब बन गई जो चाचू ने बनाई थी। तो अब ये लास्ट का एक है कस्टर्ड जो अभी लकड़ियों में बन रहा है, आंखों में लग रहा है धुआं। बस ये आखिरी है, ये चाचियों भी बना रहे हैं, और ये आखिरी है मील है। इसके बाद फिर यहाँ से अभी हम निकलेंगे। इस टाइम पे हमने दोपहर का खाना खाया 6:50 पर। तो अब यहाँ पर ये एंडिंग भी होगी। तो फॉरम चाचू हाथ हिला दें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह।